एफपीएम और हाई परफॉर्मेंस के फैन हैं। यह 240 क्यूबिक मीटर पर मिनट की हाई एयर डिलीवरी देते हैं। यह केवल 38 वाट पर चलता है, इसलिए यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग में आते हैं। 240 क्यूबिक मीटर पर मिनट की इसकी एयर डिलीवरी है, 340 आरपीएम इसकी स्पीड है, डस्ट रेजिस्टेंट है और 2 साल की वारंटी है इस यूनिट पर। यह रिमोट से ऑपरेट होने वाला फैन है। ये इसे खोलकर देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या सामान है। देखिए, बॉक्स से अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें यह मैनुअल मिला है। यह डाउन रॉड है, यह इसका मेन मोटर है, यह फिर दोनों कैनोपी हैं, अपर कैनोपी और डाउन कैनोपी। यह अपर कैनोपी है, यह डाउन कैनोपी है और ये बीच का इसका केसिंग है। यह इसका रिमोट है और पीछे 3 ब्लेड्स हैं। अब हम इसके मोटर को देखते हैं। इस मोटर को यदि हम सीधा करते हैं तो यहाँ पर इसका रिसीवर हुआ है और एकमात्र यह स्क्रू है जिससे यह इसमें मैकेनिकली फिक्स्ड होता है। यदि मैं इसे खोलता हूँ रिसीवर, इसे हमने खोल दिया, ये स्क्रू निकाल दिया, तब ये रिसीवर है। यहाँ से 3 स्क्रू खोल करके रिसीवर अलग करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस फैन में हमें यह बात क्लियर है कि यदि इसका रिसीवर काम बदल सकते हैं और मोटर खराब हो तो मोटर अकेला बदल सकते हैं, इन्हें एक साथ बदलने वाली असुविधा यहाँ नहीं है। देखिए, जैसे ये स्क्रू यहाँ से निकालने के बाद यह रिसीवर अलग हो गया है। अब इसे पूरी तरह अलग करने के लिए यहाँ 3 छोटे स्क्रूज दिए हैं, इन्हें खोलकर इस केबल को हटा देंगे तो रिसीवर पूरी तरह अलग हो जाएगा। आइए इसे अलग करते हैं। देखिए, ये तीनों वायर हमने ये 3 स्क्रू लूज करके खोल लिए, रिसीवर अलग हो गया है और इसे हम अब रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम 3 तार को रिसीवर से जुड़ेंगे तब हमें यह ध्यान देना है कि उसमें लिखे हुए RYB के कलर कोड के हिसाब से ही हमको वो तीनों तार जोड़ने हैं। देखिए, ये ब्लेड है, सामान्य तौर पे ब्लेड में सीधा होता है ये हिस्सा, यहाँ पर ये ऐसा मुड़ा हुआ हिस्सा है क्योंकि ये यहाँ पर अलग ढंग से लगता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको कवर को खोलना होगा उसके लिए। देखिए, अब इस कवर के 3 स्क्रू मैंने खोल दिए हैं, अब यह कवर बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमें कुछ स्क्रूज दिख रहे हैं जिसमें ये जो 2 स्क्रू, यहाँ 2 स्क्रू और ये 2 स्क्रू, ये ब्लेड्स में लग। खोल देते हैं। देखिए, जब हमने नट खोल लिए हैं बाद इसमें ब्लेड लगाना है, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि इसके नीचे के बेस में इसका थर्मोकोल या कुछ सामान रख लें, क्योंकि ये ब्लेड बेस में लग रहा है इसके नीचे तक आता है। यदि ये समतल होगा तो ठीक से फिट करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर हम इसको लगा पा रहे हैं। यदि हम इस थर्मोकोल को नहीं लगाते हैं तो ये पूरा टच नहीं होता है। आइए मैं इसे लगा लेता हूँ। देखिए, 3 ब्लेड्स हमने लगा दिए हैं, नीचे एक थर्मोकोल रखा हुआ है सपोर्ट के लिए। अब इस कवर को हम इसमें लगाते हैं और ये 3 होल्स को हम पहले देख लें कि किधर है, जिससे सेट करना आसान हो जाएगा। हाँ, ये 3 स्क्रू हमने लगा दिए हैं, अब इन्हें हम टाइट कर देते हैं। देखिए, अब ये 3 स्क्रू लगाने के बाद अब ये फैन ब्लेड्स फिट हो गए हैं इसमें। अब इसके आगे का हिस्सा जो है, जो हम लगाते हैं वो एक सामान्य फैन में जैसे लगाते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा वैसा ही है। अब इसे हम डिसमेंटल करते हैं, ब्लेड जैसे हमने लगाया वैसे ही खोलेंगे। हमने 3 स्क्रूज निकाल लिए हैं तो अब यह कवर बाहर आ जाएगा। अब हम इनके ये 3 ब्लेड को खोल रहे हैं क्योंकि हम अभी डिसमेंटल करना है। अब सारे ब्लेड्स हमने हटा दिए हैं।
मित्रों, अभी हम इसके ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। सुविधा के लिए हमने इसमें से ब्लेड्स हटा दिए हैं। यह फैन ब्लेड हटाने के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जैसे हमारे कुछ BLDC फैंस हैं जिनको यदि ब्लेड खोल दिया जाए तो वो नहीं चलते हैं। जैसे हमारा एक हेलियस फैन है, उसका यदि ब्लेड खोल दिया जाए तो वो फिर ऑपरेट नहीं होता है। यदि हम उसे चलाने की कोशिश करें तो नहीं चलता, लेकिन चूंकि ये